بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله वसल्दी أجمعين. वसबीन अमाद ये हमारी बात चल रही थी कबीला सकीफ की आमद और उसका कबूल इस्लाम कबूल करना अल्लाह की शान भाई वो दिन भी और ये दिन भी कि जब रसूल अलैहि वसल्लम आप सफ़र ताइफ में तशरीफ़ ले गए थे तो इन्होंने आपके साथ क्या मामला किया था और आपके साथ बहुत बुरी तरह वही लोग पेश आए थे इंतहाई बद अखलाक़ी से बदसलूकी के साथ आपको वहाँ से निकाला फिर पीछे वाश लड़कों को लगा दिया आप पर पत्थर बरसाते रहे तकलीफ़ें पहुँचाते रहे मज़ाक उड़ाते रहे ये वही लोग हैं और आज अल्लाह के शान रसोल्ला सल्ला वसलम की खिदमत में हाजिर होते हैं मोती बनकर सिद के दिल से अल्लाह का दीन हासिल करने के लिए अल्लाह के दिन में दाखिल होने के लिए तो कैसे दिन बदलते हैं तायफ़ से मक्का जब वापस हो रहे थे रसोल्ला सल्ला तो तोैद बिन हारसा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल आप वहाँ दोबारा कैसे दाखिल होंगे जबकि क्रैश आपको निकाल चुके हैं तो इसके जवाब में प्यारे रसूल सल्ला वम ने फ़रमाया था जैद जो हालात तुम देख रहे थे ना इन निकलने के लिए अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता पैदा करेगा और वह अपने दीन का हामी और नासिर है और अपने नबी को वालिब करने वाले हैं आज रसूल अल्लाह सल्हलम को अर्शाद पूरे तौर पर सादक आ रहा था वो तयफ़ ये मक्ब के कबाइल सभी प्यारे रसूल सल्ला वल् की खिदमत में हाजिर हो रहे थे और जोक दर जोक अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे थे प्यारे रसूल सल्हलम अपने क़दमों पर चल कर दूर दराज पहाड़ियों और वादियों को तय करते हुए इनके पास इस उम्मीद ये उम्मीद लेकर पहुँचे थे कि वह आपका इस्कबाल करेंगे आपकी दावत पे लब्बे कहेंगे लेकिन इसके मुकाबले में उन्होंने अजीय दी कैसा बर्ताव किया तो लेकिन रसोल सल्हसम को देखिए ना कि आपके दिल में ज़रा भी उनके बारे में इंतकाम का जज्बा नहीं था आपलाम ने जब चंद दिनों तक तयफ़ का मुहासरा जारी रखा फिर साहबा को वापस जाने का हुक्म दिया किसी ने आपसे अर्ज़ किया सकीफ़ के लिए बद दुआ दी। आपने इनकार कर दिया और हार उठा कर दुआ की कि अल्लाह सकीफ़ को हिदायत दे दे और इन्हें तोफीक दे के वो मेरे पास आकर इस्लाम कबूल करे रसूल सल्हलम के दुआ बारगाई में मकबूल हुई और सकीीफ़ का वफद मदीना आया और ये खुशखबरी देने के बकर, था लिए अदबू बकरबा रज़ी अल्लान दोनों दौड़ कर पहले रसूल सल्ला वसम की ख़िदमत में आए वो जानते थे कि सकीीफ़ के मुसलमान होने पर अल्लाह के नबी को बड़ी ख़ुशी होगी तो इसलिए वो दौड़ते हुए आए और ख़ुशखबरी दी और फिर उनका इस्तबाल किया आपने पूरा वक्त इनकी तलीम और रहनुमाय में और नसीहत में लगाया इन्होंने हमेशा आप के ख़िलाफ़ साजिशें की थी आपको अजियतें दी थी लेकिन आपलात वाम ने उनके लिए दुनिया और आहत दोनों की जगह भलाई और सदत चाही कि अल्लाह इन्हें इस्लाम दे दे इस्लाम की नमत दे दे क्या ये किसी इंसान का बशरी मिजाज हो सकता है कि वो भी ऐसे इंसान का जो किसी असूल और किसी अकैदे की तरफ़ दावा देता हो यकीन ये सिर्फ नबूत का मिजाज है ये सिर्फ नबूवत का मिजाज है इसके अलावा और कुछ नहीं कि आपके दिल में सिवाए इसके और कुछ नहीं था उनकी खैर खाई थी उनके लिए भलाई थी और उनकी आख़रत और दुनिया संवारना चाहते थे ये इस्लाम है जो बोग और नफ़रत और कीना से वाकिफ़ नहीं ये इस्लाम है जो किसी इंसान का बुरा नहीं चाहता ख़ैर खाई चाहता वो जो जिहाद का हुक्म देता है इस्लाम लेकिन मुगज और नफ़रत के बगैर वो ताकत और क़वत हासिल करने की ताक़द करता है लेकिन घमंड और तकबर के बगैर इस्लाम रहम और करम की तालीम देता है मगर इसका मतलब जिल्लत और कमज़ोरी नहीं वो मोहब्बत का हुक्म देता है लेकिन सिर्फ़ अल्लाह के लिए ये इस्लाम है कि वो मुगज़ और नफ़रत को उसकी तलीम नहीं देता जहाद का हुक्म देता है लेकिन जिहाद का मकसद मुगज और नफ़रत नहीं है खैर है भलाई है કેલો કે દેહદ કરાસ્તા ખોલના હે વો તાકાત ઓર કુવત حاصل કરને કી таъલીમ دیتا હે ઇસ્લામ લેકિન વો અનાનિયત કે લિયે નહીં ઘમંડ કે લિયે નહીં તકબર કે લિયે નહીં વો રહમ કી таъલીમ دیتا હે કરમ કી таъલીમ دیتا હે લેકિન ઇસકા મતલબ ઝિલત ઓર કમઝોરી નહીં વો મુહब्बत કી таъલીમ دیتا હે લેકિન એસી મુહબ્બત જો અલ્લાહ કી ખાતર અલ્લાહ કે લિયે હો તો વફદ સખીફ મદિના આયા ઇસ્લામ કબૂલ કિયા तो ये वो ज़बरदस्त अल्लाह की मदद और नुसरत थी जिसकी तकमील हो रही थी जिसका अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया था यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वफ़ को मस्जिद में ठहराया तो मालूम हुआ किसी मुशरिक के कबूल इस्लाम की उम्मीद हो तो इसे मस्जिद में ठहराना जायज़ है और अगर ऐसा मुशरिक है तो ज़ाहिर है यहूदी और नसरानी है और उससे ये उम्मीद है तो उसको भी ठहरा सकते हैं इसकी तफसल मौजूद है फिर रसूल सल्ला वम ने इस वफूद के साथ कैसा ही इकराम का और खैरखाई खे का मामला फ़रमाया और इन्हें मोहब्बत से खुश आमदेद कहा इसी तरह आपलातम ने इस मौके पे पर इब्ने इबन आस इब को सकीफ का वफद का अमीर बनाया और वजह ये बताई कि उसे किताब का इल्म हासिल है उसे किताब का इल्म हासिल है क्योंकि वो जितनी मुद्दत मदीना में ठहरे है का इल्म हासिल करते रहे और इस्लाम की सूझबूझ में सबसे आगे थे इससे इशारा मिलता है कि ज़िम्मेदारी अमारत का मुस्तक वही शख्स है जिसे किताबल् का इल्म का सबसे बड़ा हिस्सा नसीब हो इसलिए कि ये एक दीनी ज़िम्मेदारी है जिसका मकसद इस्लामी हुकूमत इस्लामी माशर क़याम है तो ज़हर है इस अमीर के लिए इस शर्त का पाया जाना भी ज़रूरी है कि उसके दीनी उलूम पे अच्छी नज़र हो बुतों और मुजस्मों को तोड़ देना या अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने कबीला सकीफ के बुत तोड़ने का हुक्म फ़रमाया इससे साबित होता है कि बुतों और मुजस्मों को तोड़ना वाजिब है उन्हें बार बार इसकी गुजारिश की कुछ मोलत लेकिन आपकी कोई ऐसी शर्त कबूल नहीं फ़रमाई और आपने उन मुजस्मों को तोड़ने का हुक्म दिया इससे इस बात की तायद होती है कि मुजस्मा साजी हराम है ख़ा वो किसी भी किस्म का किसी भी शक्ल में हो इस तरह मुजस्मों को रखना हराम है ख़ा उसके जो भी इसबाब हों जी रूह चीज़ के मुजस्मे बनाना मुत बनाना हराम है रखना भी हराम है फ़रोख्त भी हराम है फिर नजरान के वफद की आमद इस साल रसूल सल्ह् वसम की खिदमत में सकीफ के अलावा दीगर बहुत से वफ़ूद आए और वह वफूद आते चले गए नजरान के नसारा का जो जफद हजूल सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ था वो साठ अफ़राद पर मुश्तमिल था और वो चंद दिन ठहरा और आप आपसलाम से ईसा सलातम और तोहद के बारे में बहस मुबासा करते रहे सबसे आखिर में आपने इनके सामने ये आयत तलावत फ़रमाई इन मसला ईसी को मसल आदम ख़लक उमिन तौराब तुम्म मब्ब फ़ला तकम तरीन अल्लाह के नज़ीक ईसीलातसलाम की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा तो वह हो गया यह असल हकीकत है जो तुम्हारे रब की तरफ से बताई जा रही है और तुम उन लोगों में शामिल न हो जो इस इसमें शक करते हैं ये आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो नबी इनसे कह दो आओ हम और तुम खुद भी आ जाएं और अपने बाल बच्चों को भी ले आएं खुदा से दुआ करें जो झूठा हो इस पर खुदा की लानत हो मुबाहला की चैलेंज जब वो दलाइल से ना माने दलील से ना माने तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि इन्हें एक मैदान के अंदर बुलवाओ आप उनसे कह दें कि आओ बच्चे बच्चियाँ तुम भी साथ ले अपने घर वालों को मैं भी ले आता हूँ और अल्लाह से दुआ करते हैं जो हम में से झूठा है उस पर अल्लाह की राना था चुनाचे जब आपने वो अपने अकायद पर कैम रहे तो रसूल सल्ला ने नेक्म अलाही के मुताबिक इन्हें मुबाहला के लिए बुलाया आप खुद सहाल में निकले कैत हसन आयत हुसैैन और अपने चादर में छुपाए हुए थे और फ़ातिमा आपके पीछे थी लेकिन वफ़द के सरदार शर्जील बिन वदा ने जो उन साठ अफराद के वफ़द का अमीर था नसारा का नजरान से जो आया था उस अमीर ने मुबाहले से इनकार कर दिया वो समझ गया कि अल्लाह के पैगम्बर हैं मुसीबत हम पे आ जाएगी तो उसने अपने साथियों के इसके बुरे अंजाम से डराया कि तुम्हारा फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा चनाचन आप के सामने ये बात रखी क्या आप इस्लाम और मबाहले के अलावा किसी और चीज़ का हुक्म दें तो वो इसे तस्लीम कर लेंगे आप आपलम ने इनसे जज़िया पर मसाहत कर ली और इन्हें माह मुसालत की तस्वीर लिख कर दे दी आप ने इनसे वादा किया कि अगर वो जजिया अदा करते रहेंगे तो इनके इबादत ख़ाने मुनहदिम नहीं किए जाएंगे और इनकी जानब से गद्दारी या बदअहदी का मुजाहरा नहीं होगा तो वो सूदी कारोबार नहीं करेंगे तो इन्हें इनके मदद पर अमल करने की पूरी आज़ादी होगी तो यूँ अल्लाह के नबी सल वसम ने, 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 ने इनके इस्लाम न लाने पर इनके साथ जिजिया पर माहे फरमाया और उस पर शरात तय हुई मामला तय हुए और फिर ये वफद वापस चला गया तो ये वफद भी अब्दूल सलातम की खिदमत में आयाबन हातिम रजी अल्लाह तुम ये पहले नसरानी थे जो मशहूर सखी हातिमताई के बैठे थे इन्हें अपने कबीले में बड़ी इज्ज़त और अजमत की निगाह से देखा जाता था वो अपने कबीले में जंगजू में जब जंग जंगों के अंदर माल गनीमत हासिल होता तो चौथाई हिस्सा वसूल करते थे और अब अपने सरदार को ये हिस्सा देते थे जब इन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत का चर्चा सुना तो उसे नापसंद किया और अपना कबीला छोड़कर शाम के नसारा के पास चले गए अली फरमाते हैं रजी अल्लाह तु शाम पहुँच कर मुझे इससे ज़्यादा वाशद और नागवारी होने लगी जितनी अपने कबीले में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्करे से होती थी कि मुझे मैंने सोचा कि मुझे आपलातम से मुलाकात करनी चाहिए अगर आप दुनिया में के दूसरे बादशाहों की तरह एक बादशाह हैं या जूठा नबूत का दावा करने वाले हैं तो ये चीज़ मुझसे मख्फी न रह सकेगी क्यों ना मुलाकात करके आपकी शख्सियत का मुझे तारफ़ हासिल हो क्या आप आम बादशाहों की तरह हैं और आप झूठी नबोत का दावा कर रहे हैं और अगर आप नबी बरहक हैं तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा और आपका इतवा कर लूँगा तो मैं इस ख्याल से हजूर सलासलम की ख़िदमत में मदीना आया इस वक्त आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे मैंने सलाम किया फरमाया कौन मैंने अर्ज़ किया अदी हातिम का बेटा ये सुनकर रसूल सल्ला वल् उठ खड़े हुए और मुझे अपने घर ले गए रास्ते में एक ज़यीफ़ और बुजुर्ग औरत मिली उसने आपको रोक लिया और आप खड़े होकर इसकी बातें सुनने लग गए सुबह ना रसोल्ला सल्ला सल्म की तवाज़ो, इनके सारी एक बूढ़ी औरत रास्ते में रुकी उसने रोक लिया आपको और आप भी रुक गए कौन इमाम्बिया सईदर रसुल्लाह के बाद कोई हस्ती महम्मदरसोल्ला की लेकिन देखिए आजिजी कैसी है तोज़ो कैसी है रास्ते में एक ये देख रहे हैं हातिम आदि कह रहा मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में एक ज़यीफ़ और बुज़ुर्ग औरत मिली तो उसने आपका रोक लिया तो आप खड़े हो गए और इसकी बातें सुनने लगे मैंने अपने दिल में कहा अल्लाह के कसम ये बादशाह नहीं आपकी इस अदा से आपके इस अदा से मैं समझ गया कि ये बादशाह नहीं इसलिए कि बादशाहों के रवैये ऐसे नहीं हुआ करते बादशाहों के अंदाज़ ऐसे नहीं हुआ करते फिर रसूल सल्ला मुझे देखकर अपने घर पहुँचे और अंदर जाकर एक तकिया छोटा सा चमड़े का लाए जिसमें पतियाँ भरी हुई थी मेरी तरफ़ फेंक दिया और फरमाए इस पर बैठ जाओ मैंने अर्ज़ किया आप तश्रीफ रखें आपने इसरार किया तो मैं इस पर बैठ गया आप ख़ुद ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुई सुबहन मैंने अपने जी में कहा अल्लाह की कसम यह बात कोई बादशाह नहीं कर सकता और ना ही कोई बादशाह ऐसा कह सकता मेरे दिल ने गवाही दी फिर गवाही दी कि बादशाह का तर्जआमल नहीं है फिर आप सला तोलाम ने फरमाया दी क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के सिवा कोई महूद है मैंने अर्ज़ किया नहीं फिर फरमाया क्या तुम जानते हो कि अल्लाह से बढ़कर है मैंने अर्ज़ किया नहीं फरमाया तो तुम जिस मज़हब नसारा और साहिबा के, के बहन बहन हो क्या मैंने अर्ज़ किया हाँ फरमाया तुम अपने कबीले से माल गनीमत का चुताई हिस्सा नहीं वसूल करते मैंने अर्ज़ किया हाँ फरमाया लेकिन ये तो तुम्हारे मज़हब में जायज़ नहीं है मैंने अर्ज़ किया आप सही फरमाते फरमा वो काम जो नसारा में भी जायज़ नहीं थे आप ने उन्हें उस अंदाज से बात की कि पहले वो चीज़ें जो इस्लाम और नसारा में मुश्तरक हैं उनको बुनियाद बनाकर आपने दावत दी और उसको अपने से मानूस किया इसके बाद पहले रसूल सल्ला व्लम ने फरमाया दी शायद तुम इस दिन को कबूल करने से इसलिए हिचकिचा रहे हो कि तुम उसके मानने वालों को गरीब देख रहे हो तुम इसलिए हिचकचा रहे हो कि इस्लाम के मानने वाले और इसके पैरोक गरीब लोग हैं अल्लाह की कसम इनके पास माल की इतनी बहुतात हो जाएगी कि इसे कोई कबूल करने वाला ना बचेगा इतनी दौलत इनके पास आएगी शायद तुम इस दीन को कबूल करने से इसलिए हिचकिचा रहे हो कि तुम इनकी तादाद और इनके दुश्मनों की तादाद ज़्यादा देख रहे हो अल्लाह की कसम ये वक्त आएगा जब एक औरत कादसे तन तनहा सफ़र करते हुए बैतुल्ला की ज़्यादात करेगी और इसे रास्ते में कोई ख़ौफ नहीं होगा इतनी कसरत होगी इनकी और इतना अमन होगा इतना अमन होगा क्या तुम इस दिन कबूल नहीं कर रहे हो और इसलिए हिचक जा रहे हो कि तुम हुकूमत और इत्तेदार पर दूसरे लोगों को काबिज़ देख रहे हो अल्लाह की कसम वो वक्त जल्द आएगा जब सरजमीन बाबल के सफ़ेद महल्लात इनके हाथों में फतेह होंगे तुम समझ रहे हो कि हुकूमती किसी और के पास है नाना ना एक वक्त आने वाला है जब दुनिया की हुकूमतें इस्लाम के ज़र नगु होंगी इस्लाम के साय में चलेंगी इसके बाद अदी ने इस्लाम कबूल कर लिया आज अभी फरमाते हैं रजी हो, दो निशानियाँ मैंने देख ली हैं अल्लाह के नबी ने जो उस वक़्त बातें फ़रमाई थी ना उनमें से दो निशानियाँ मैंने देख ली कि औरत अब बेखौफ व ख़तर सफ़र करने लगी है ये मैंने देख लिया ऐसा अमन है किसरा के ख़जानों पर हमले करने वाले पहले लश्कर में मैं भी शरीक रहा हूँ और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ तीसरी निशानी भी जल्द पूरी होने वाली है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो वो सच फरमाया है तो अदी इबन हातिम रसोल्ला सल्लम की खिदमत में आना तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं ए आदि अद का आना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका ख्याल रखना देखिए ना आप ने ये ने आदि का ख्याल रखा क्योंकि आदि अपने कबीले में एक इज्जतदार आदमी थे मुअज्जज आदमी थे तो रसूल सल्ह् वम ने उसकी दिलजोई के लिए उसे वैसी इज़्ज़त दी और वैसी अहतराम दिया तो ने उसके तो के मुताबिक उसे इज़्ज़त बख्शी और उसे अपने से मानूस किया इसके बाद आदत अली फरमा के रसूल सल्लम के चंद इर्शादात सुनाए जिनमें इस्लाम और मुसलमानों के मुस्तबिल बारे में चंद पेशन गोईयाँ थीं क्या आप सलात ने सिरमाया कि मुसलमानों के पास माल की इतनी बहतात हो जाएगी कि इसे कोई कबूल करने वाला ना मिलेगा आपकी ये पेशन गोई हैमर तो अब्न अज़ीज़ के ज़माने में पूरी हो गई कि इन्होंने अपने गवर्नर को अमाल ज़क़ात के साथ भेजा इन्हें अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाक़ों में गरीबों में तकसीम कर दें लेकिन वह इनके साथ वापस आ गया इसलिए कोई लेने वाला ना थार तो इबन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में अल्लाह के नबी की ये पेशन गोई भी पूरी हो गई चुनात या तो उमर इब्दुल अज़ीज़ ने इनसे गुलाम ख़रीद कर आज़ाद कर दी तो अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया एक वक्त आएगा कि जब एक औरत काद से तने तनहा सफ़र करते हुए बैतुल्ला की ज़्यारत करेगी और इस रास्ते में कोई खौफ़ नहीं होगा आपकी तो पेशन गोई भी पूरी हुई इस पूरे इलाके में अमन क़ायम हो गया चुनाचे किसी मुसाफिर को अल्लाह के अलावा और अपने रेवड़ पर भेड़िए के अलावा किसी का खौफ ना था जैसे कि एक हदीस में आता है हजूर सलासलम ने इस मौके पर पे यह पेशन भी फ़रमाई थी कि अल्लाह की कसम वक्त जल्द आएगा जब सरजमी बाबल के सफ़ेद महल्लात मुसलमानों के हाथों में फ़तेह होंगे आपकी ये पेशन गोयबी भी ब हरफ पूरी हुई होरी हुई तमाम तारीफें के लिए जिसने अपने रसूल सल्लाम से जो वादा किया वो पूरा कियादूर आल्सलाम के हयात तय्यबा और तर्ज़ रहायश में नबूत की अलामतें देख रहे थे आपकी ज़िंदगी में आपके तर्ज़ रिहाइश में नबूत की अलामतें देख रहे थे इसी तरह आप तो इस्लाम के अंदाज गुफ्तु और इशादत में इन्हें महसूस हो लिए हो, हो रहा था कि ये पैकम्बर है ये अल्लाह के नबी हैं। तो आप इस्लाम ले आए और ऐश व इशरत के उन मुजाहरे से किनारा कश हो गए जिन इन्हें इनके कबीले वालों ने खरक कर रखा था इस्लाम कबूल कर लिया अगर कोई शख्स अक्लमंद मन, दानशमंद हो उसे सोचने की आज़ादी हासिल हो तो वह हक़ कबूल करने और इस पर ईमान लाने से ज़रा भी दूर नहीं रह सकता इसलिए कि हक और इस्लाम इतना अक्ल दानिश के करीब है और अपील करता है अकल दानिश को ख़ाहरा कितनी दुश्वार गुज़ार क्यों ना हो लेकिन अगर आज़ादी फ़िक्र है ई नहीं है और अक़ल का तकदस पामाल हो चुका है और इसकी जगह बोग्ज़ है नफ़रत है और दिल पर और दिमाग पर ख़ैशात नफ्स ने गलबा पा रखा है तो ये बदतरीन जहालत है जिसकी वजह से हिदायत से आदमी महरूम रहता है जिसका तस्करा कुरान में है वक़ाल क़ुलु मुनाफ़ फ़ी अकिनती मात ना इले इल्य। व फ़ी अज़ानी ना वक़्र व मुमबीनी ना वबैनी का हिजाब फामल इन नदा आमिलूँ वो कहते हैं जिस चीज़ के अंदर तो हमें बुला रहे हो इसके लिए हमारे दिलों पर गुलाफ चढ़ी हुई है खुद उस बात का इज़हार कर रहे हैं और हमारे कान बहरे हो गए हैं और हमारे तेरे तेरे दरमियान एक हिजाब हायल हो गया है तो अपना काम कर हम अपना काम किए जाएंगे तो अगर अकल पर और फ़िक्र कैद हो जाए और उस ख़्हिशात नफ्स की जिसे कहेंगे जेर असर हो जाए और अक़ल की आज़ादी शलब हो जाए और अक्ल दानिश पर नफसानी ख्वाहिशात का गलबा हो जाए बोग नफरत जड़ पकड़ ले तो फिर हक़ समझ भी नहीं आता हक़ समझ भी नहीं आता जैसे यहाँ कुफार अपने बारे में ख़ुद इस बात का इकरार और इजहार कर रहे हैं तो अदीबिन हातिम रजी अल्लाह तुन को अल्लाब्ज़त ने सलीमालफरत मिजाज दिया था अकरानिश की दौलत नसीब फरमाई थी और जब उनसे जब उनके सामने सही सूरत हाल और इस्लाम के और रसूल सल्लम की शख्सियत का तारफ़ सामने आया तो उन्होंने फ़ौन इस्लाम कबूल फ़रमा लिया सुबह खानद नषद वस्तव फिर का वन तो वही